पार्ट है वो LHS में दिया हुआ है और ये वाला पार्ट किसका दिया हुआ है RHS का, ठीक है। और इसको हम लोगों को सॉल्व करके ये वाला टर्म हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे समझते हैं। देखो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि जितने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले टर्म है इसको और इसको दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लो, साइन थीटा कॉट थीटा प्लस क्या है कॉसेक थीटा। अब ये वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव में है, इस तरफ आ जाएगा, कुछ में माइनस में आ जाएगा तुम्हारा। तो साइन थीटा आई में क्या हो जाएगा कॉट थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, इक्वल टू कितना बच गया टू। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करके टू ला देते हैं तो LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन है तो साइन थीटा को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो साइन थीटा को कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वन बाई कॉट थीटा माइनस प्लस क्या बचेगा कॉसेक थीटा, माइनस यहाँ पे भी कॉमन कर लिया तो यहाँ पे वन बचेगा कॉट थीटा और माइनस क्या बचेगा कॉसेक थीटा, इक्वल टू कितना टू। यहाँ से साइन थीटा को साइन थीटा छोड़ दो। अब यहाँ देखो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, कॉट थीटा प्लस क्या लेंगे कॉसेक थीटा, फिर यहाँ पे कॉट थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये दोनों अलग अलग टर्म था, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखो cot theta plus cosec theta से cot theta plus cosec theta cancel out हो जाएगा, बच जाएगा क्या cot theta minus क्या बच जाएगा cosec theta, और इसको 1 से multiply करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 10 के 10 बच जाएगा, यानी कि cot theta minus क्या बच जाएगा cosec theta बच जाएगा। यहाँ पे minus का साइन दे देंगे, फिर देखो cot theta minus cosec theta से cot theta minus cosec theta क्या हो जाएगा cancel out, तो बच जाएगा कौन cot theta plus क्या बच जाएगा cosec theta, फिर वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म सेम टू सेम बन जाएगा, दैट मीन्स कॉट थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, इक्वल टू कितना है टू। अब यहाँ से साइन थीटा को साइन थीटा छोड़ देते हैं, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा। बाई में क्या बच्चा a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार ये दोनों प्लस में है एक बार ये दोनों माइनस में है, तो एक बार तो प्लस में रहता है एक बार माइनस में रहता है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू कितना टू। यहाँ से देखो कॉट थीटा प्लस में है कॉट थीटा माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बच जाएगा साइन थीटा और इन टू माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा माइनस टू कॉसेक थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या बच जाएगा, यहाँ देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है वन, तो इसका जस्ट अपोजिट करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो वो कितना हो जाएगा माइनस वन, तो हम लोग cot square theta minus cosec square theta के जगह पे क्या रख देंगे minus 1, minus से minus क्या हो जाएगा cancel, तो बच जाएगा क्या 2 sin theta और into क्या बच जाएगा cosec theta। अब 2 को 2 छोड़ देंगे, sin theta into cosec theta आपको कितना होता है 1 होता है, तो 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, that means किस किसके बराबर आ गया ये और किसके एक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं।